हेलो दोस्तों, आज मैंने सैमसंग J250, देखो नो सर्विस, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ सारा नेटवर्क मोड। मैंने सिलेक्ट करके पहले देख चुका हूँ, फिर आपको भी दिखा देता हूँ। अभी इसमें आप चाहे 2G करो, चाहे 3G करो, आज कुछ भी करो, इसमें नो सर्विस का दिक्कत नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं कि दिक्कत क्या है इसमें। देखो, जैसे मैंने मैनुअल सर्च किया, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो हार्डवेयर इश्यू है। देखो IMEI नंबर सारा कुछ सही है। तो एक बार मैं पहले मोबाइल को खोल के, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो एक बार मैं मोबाइल को पहले पूरी तरीके से खोल लूँ, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बोर्ड खोल चुका हूँ। तो एक बार मैं जितने भी इसमें लगे हुए एक्स्ट्रा चीज़ है, कैमरा कनेक्टर वगैरह वगैरह सारा निकाल लेता हूँ। तो देखो, इसमें किसी ने छेड़खानी कर रखी है पहले से ही। हमारा एंटीना लाइन में जाने वाले जो लाइन है, एंटीना में जाने वाला लाइन है, देखो इसमें जंपर मारा है। पता नहीं ये क्यों जंपर दे रखा है, मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि लाइन तो उसमें पूरी है पहले से ही, तो वो देना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे भी सारे कंपोनेंट सही लग रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई इश्यू मेरे को दिखाई नहीं देता। फिर भी आपको देखो पूरा बोर्ड दिखा देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे लगभग इश्यू नहीं लग रहा मेरे को। ये देखो, एक बार मैं आपको पूरी बोर्ड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं दिखाई दिया, लगभग प्रेस बोर्ड प्रेस ही लग रहा है। ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा WTR। तो पहले देख लेते हैं कंडीशन क्या है इसकी। ठीक है, नॉर्मल चेक कर लेते हैं कहीं पे लाइन शॉर्टिंग तो नहीं है। इसका मॉडल देख लेता हूँ पहले तो मैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। पहले इसका तो कुछ काम है नहीं, एक मिनट, यहाँ पे देख लेते कोई कंपोनेंट छेड़खानी तो नहीं की है। छेड़खानी तो कुछ नहीं हुआ है, एक बार देख लेते हैं कि किस में क्या कंपोनेंट लगता है। एक कंपोनेंट लगा हुआ है, जितने भी हरे रंग के दिख रहे हैं वो NC लाइन है। ठीक है, यहाँ पे 2 NC है। ठीक है, बाकी लगे हुए हैं, लगभग यहाँ इस लाइन पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये इसको हम ज़्यादा देखने की खास ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लाइन ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं हुई है। देख लो, यहाँ पे जो कंपोनेंट लगा है वो फिक्स लगे हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको आप अगर देखना है तो आप सेम बोर्ड में से भी देख सकते हो कि इसमें क्या होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे को नहीं लगता कि इस लाइन पर कोई भी दिक्कत है, तो हमें इस लाइन में कोई दिखना नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि हमें मेनली ज़रूरत क्या है। ठीक है, हम उस चीज़ को देखते हैं। पहले तो जिसमें हमारा अगर सर्किट डायग्राम नहीं है, तो उसका सबसे पहले हमें इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो WTR को देखना चाहिए। ठीक है,
पहले इसके आसपास के कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं, क्या रीडिंग शो करता है और कितना वोल्टेज शो करता है। ठीक है, पहले मैं सेट को चालू कर लेता हूँ। ये मैं डीसी वोल्टेज लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो, इसमें मैं एक सीधी सी बात आपको बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी लाइन में कितना वोल्टेज आना चाहिए वो पता नहीं है WTR में, तो आप उसके आसपास के कंपोनेंट पे एक बार चेक करके देखो वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लाइन में बता रखा है कि इसके आसपास के वोल्टेज में आपका 1.8 वोल्टेज या कांस्टेंट या फ्लैक्चुएट या कुछ ना कुछ वोल्टेज शो करेगा, तो वो लाइन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है, वो WTR के आसपास ही रहेगा। तो मैं ये वोल्टेज, क्योंकि मेरे पास इसका सर्किट डायग्राम है नहीं, तो मैं आपको नॉर्मली चेक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, एक वोल्टेज कांस्टेंट दिखा रहा है, ठीक है, जो हमें नहीं दिखाना चाहिए था ऑन के कंडीशन में। तो मैं देख लेता हूँ एक आध वोल्टेज और, ये चीज़ आपको भी पता है WTR में कोई भी वोल्टेज अगर ऑन करते, वो भी मैंने सिम नहीं लगा रखा हूँ इस टाइम, तो ये आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक दो वोल्टेज और चेक कर देख लेता हूँ आसपास के वोल्टेज, क्योंकि ये वाली चीज़ इसमें नहीं होना चाहिए। जो आपको मैंने अभी दिखाया, एक वोल्टेज कांस्टेंट दिखा रहा है, इस तरीके का वोल्टेज WTR में नहीं होता, क्योंकि ना तो मैंने सिम लगा रखा हूँ, ना तो अभी कॉलिंग टाइम है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, एक वोल्टेज कांस्टेंट है इसमें, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें भी वोल्टेज देखा, लेकिन उस वोल्टेज का कुछ पता है नहीं। ये देखो, ये मान के चलते हैं कि इसमें फिलहाल के लिए वोल्टेज जो नॉर्मल मैंने अभी आपको 1.0 वोल्टेज कांस्टेंट दिखाया, वो वोल्टेज नहीं होना चाहिए, पहली बात। तो सिंपल सा फंडा है, एक बार हम इस मोबाइल का जो स्टार्टिंग में जो WTR है, हम उसको चेंज करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि अगर उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तो हम जिसका स्केमेटिक नहीं है उसका हम किस तरीके से वोल्टेज चेक कर सकते हैं या किस लाइन में क्या आता है, मैं आपको वो बता दूंगा अभी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि WTR चेंज करने में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ का हम पता करते हैं। तो पहले मैं WTR को निकाल लेता हूँ, ठीक है। पहले मॉडल साइड, सबसे पहले आप इस चीज़ का ख्याल रखना कि आप जब भी IC निकालें उसका पहले साइड पता कर लें, ठीक है। इसमें तो फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके बॉल कुछ पॉइंट नहीं होते, तो पता चल जाता है हम कैसे लगाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं जिस पर आपको पता नहीं चलता कि क्यों कौन सा साइड लगाना है, तो उन चीज़ों के लिए आपको IC को देखना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैं पहले देख लेता हूँ, चलो ठीक है, साइड ही देखना है। और इसमें WTR चेंज करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कुछ होता है कि, अगर उसके बाद नहीं हुआ तो हमें किस तरीके से बिना सर्किट के भी हमें लाइन देखना है, मैं आपको वो आइडिया दूंगा, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि WTR चेंज करके कुछ मसला और होता है कि नहीं होता। तो मैं
वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मेरा सेट चालू हो चुका है। ये देखो टावर नमस्ते दिखा चुका है हमारा नेपाल का, नमस्ते सिम दिखाता हूँ मैं एक बार, इसमें बैलेंस चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी देख लो आप, तो ये तो हमारा WTR चेंज करके हो गया, लेकिन अगर आपके पास सर्किट डायग्राम भी नहीं है और इस तरीके के नो सर्विस का इश्यू है तो किस तरीके से चेक करते हैं, मैं आपको वो वाला लाइन बताना चाह रहा था, लेकिन ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके के अगले वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।